ब्रदर्स पब्लिक स्कूल के बच्चों ने स्थापित किया कीर्तिमान। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। 2024 मैट्रिक सीबीएसई का रिजल्ट निकल चुका है और ब्रदर्स पब्लिक स्कूल के कुछ विद्यार्थियों ने ना केवल अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं बल्कि स्कूल की एक विद्यार्थी अंशु गुप्ता ने पूरे भारत में 8वीं रैंक जबकि बिहार में सीबीएसई में 2nd रैंक और मधुबनी में टॉपर बन स्कूल के नाम को रोशन किया है। इस जानकारी के अनुसार हम भी ब्रदर्स पब्लिक स्कूल में पहुंचे जो कि रुद्रपुर अंद्राठारी प्रखंड के अंतर्गत स्थित है। हम वहां पर पहुंचे और हमने स्कूल के डायरेक्टर कुमार सोनू से बात की और साथ ही ब्रदर्स पब्लिक स्कूल की शिक्षा पद्धति व स्कूल की सुविधाओं के बारे में जानने की कोशिश की। देखे उन्होंने क्या कहा। सर, आपके विद्यालय में कुछ बच्चे टॉपर बन के आए हैं, किस तरह की पद्धति है, शिक्षा पद्धति कैसी है? देखिए, हमारे स्कूल में जो इस बार क्लास 10th के बच्चों ने जो रिज़ल्ट लाया है उसको लेकर के हम लोगों की सिंपल स्ट्रेटजी रहती है हमेशा से। स्टार्टिंग से 2017 में हम लोगों का स्कूल ओपन हुआ था और इस साल 2024 में हमने पहला बैच का रिज़ल्ट दिया है। तो हमारी सिंपल स्ट्रेटजी होती है कि क्लासरूम्स में जो 8 से 2 का जो एकेडमिक आवर्स है उसमें हम लोग प्रतिदिन अपने बच्चों को जो भी वर्क है, क्लास वर्क्स है और होम वर्क्स है, उसको कम्प्लीटली पर डे कोशिश करते हैं कि लेसन प्लान के अकॉर्डिंग चलें। साथ ही जो भी होमवर्क्स रहता है बच्चों को कल के लिए हम देते हैं, उसे फिर नेक्स्ट डे आने से पहले सबसे पहले उन चीज़ों पे काम करते हैं। तो खास करके जो मेन स्ट्रेटजी है वो हम लोगों का कोशिश होता है कि नोट्स करवाना, होमवर्क्स जो भी देते हैं उन चीज़ों को जो है सो नेक्स्ट डे आकर के फिर से देखना, रिव्यू करना और एवरीडे वर्क को कम्प्लीटली सही टाइमिंग पे करना, ये हम लोगों का मेन स्ट्रेटजी है। और सबसे बड़ी खास करके क्लास 10th के रिज़ल्ट में अगर देखेंगे तो हम लोगों का कोशिश होता है कि अक्टूबर तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर देना क्लास 10th में, और इसके बाद फिर 1 मंथ रिवीजन एंड आफ्टर दैट कम्प्लीटली टेस्ट सीरीज़ के लिए हम लोग रन करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रिवीजन किया जाए और टेस्ट को लेकर के सीबीएसई किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया जाए ताकि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे परिणाम ला सकें, अच्छे से अच्छे रिजल्ट ला सकें। अच्छा, एक रूरल एरिया में होकर भी आपके स्कूल की जो फैसिलिटीज़ देख रहे हैं काफ़ी अच्छी है और एक सिटी में ना होते हुए भी आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में कुछ। देखिए, बात रूरल और अर्बन एरिया से नहीं होती है, बात सोच की होती है। जब हम लोग 2017 में यहाँ पे स्कूल इस्टेब्लिश किए थे तो हमारा कभी ये सोच नहीं था कि हम आसपास के स्कूल से ये कॉपी करना है या आसपास के स्कूल में ये हो रहा है हमारे यहाँ भी ये होना चाहिए या वहाँ पे ये हो रहा है तो हम भी इस चीज़ को करें। हमारा खुद का एक अपना सिस्टम है, हम कोशिश करते हैं कि अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को पढ़ाएं और जितने भी करिकुलम सीबीएसई के हैं हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं कि उन सारे सिस्टम से हम क्लासरूम्स में पढ़ाएं। एनसीईआरटी की बुक्स से क्लास 9-10th में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफिंग दी जाती है और टीचर्स यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को ताकि वो बेहतर परिणाम ला सके। और अगर बात करेंगे रूरल और अर्बन एरिया की तो ऐसी कोई पॉइंट नहीं है, हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स और ख़ास करके जो मेन कंटेंट है उन चीज़ों पे ज़्यादा काम करते हैं कि जो इंटरनल कंटेंट है, मान लीजिए आप SST पढ़ा रहे हैं या साइंस पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे ज़रूरत होती है मेन कंटेंट की कि हम बच्चों को साइंस में कंटेंट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, SST में हम कंटेंट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है, खास करके अगर कहीं भी अच्छे स्कूल्स का देखिएगा तो मेन कंटेंट इंटरनल बच्चों में क्या दे रहे हैं ये चीज़ ज़्यादा मैटर करता है, ना कि रूरल एरियाज अर्बन एरियाज इस तरह के डिफरेंसेस में कोई ज़्यादा खास नहीं है। अभी फ़िलहाल भी कितने से कितने तक क्लासें आपकी रही हैं? अभी हमारे यहाँ टोटल नर्सरी टू क्लास 10th तक के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सीबीएसई पैटर्न से। आपकी जी सीबीएसई पैटर्न से हमारी पढ़ाई हो रही है। और बुक्स जो है आपकी एनसीईआरटी बुक आप लगवाते हैं? क्लास 8-9th में हम बच्चों को एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं और उसी से क्लास में टीचर्स पढ़ाते भी हैं। अप टू क्लास 8th कुछ अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक यूज होती है और हम लोग अपने अकॉर्डिंग बुक सेट करते हैं और हम जो कंटेंट देखते हैं कि जिस पब्लिकेशन का अच्छा है क्लास 8 तक में उस कंटेंट से पढ़ाते हैं।
आपके स्कूल का इस बार 10th का रिजल्ट काफी बेस्ट आया है पूरे एक क्षेत्र में, एक आप कह सकते हैं एजुकेशन को लेकर आपके स्कूल का नाम के बहुत बड़ी तेजी से ऊपर उठ रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे गार्जियंस को, बच्चों को जो खासकर आपसे जुड़े हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने स्कूल का नाम लेना चाहेंगे, ब्रदर्स पब्लिक स्कूल। ठीक है, हमने 2017 में इस्टेब्लिश किया और 2024 में हम लोगों का फर्स्ट बैच निकला। और जिस बच्चों के बारे में आप कह रहे हैं, इस बैच में हमारे पास टोटल 10 स्टूडेंट थे। 10 में से कुल 5 ऐसे बच्चे हैं जो मोर देन 80% लाए हैं और 5 ऐसे बच्चे हैं जिनकी परसेंटेज अप्रॉक्स 70 और 70 से ऊपर है। ठीक है, तो 10 के 10 बच्चे हमारे अच्छे परिणाम के साथ स्कूल में उत्तीर्ण हुए हैं क्लास 10th में। और सबसे बड़ा जीत हम लोगों का ये है कि जो फर्स्ट बैच में हमारे बच्ची अंशु गुप्ता है, वो 98.6% ला करके ना सिर्फ पूरा स्कूल, पूरे ज़िला और पूरे बिहार और पूरे देश में भी नाम रोशन किया है। पूरे मधुबनी दरभंगा में ये टॉप पे है, बिहार में सेकंड रैंक इसने हासिल किया है और ऑल ओवर इंडिया रैंक अगर कहें तो इसका 8वां है। खासकर अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अभिभावक से यही संदेश देना चाहेंगे कि आजकल हम देखते हैं जो हमारे डेली रूटीन में जो एक्सपीरियंस रहा है, मैक्सिमम गार्जियन का ये अप्रोच होता है कि अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाते जा रहे हैं, कि उसे किसी भी चीज़ को लेकर के मतलब नहीं कहना, जो बच्चे बोल रहे हैं उसी चीज़ को मानना, एक्सेप्ट करना, वो जैसे चल रहे हैं बच्चे के अकॉर्डिंग चलना। मैं आप सभी अभिभावक से, सभी गार्जियन से, सभी पेरेंट्स से कहूँगा, बच्चों को इतना फूल मत बनाइए, कोमल मत बनाइए। बच्चों को वर्स्ट से वर्स्ट ट्रेनिंग दीजिए, वर्स्ट से वर्स्ट प्रिपेयर्ड कीजिए, ताकि कल को आने वाले समय में अगर कठिनाइयाँ कितनी भी हो उसके लाइफ में, तो वो उस चीज़ से लड़ना सीख सके और लड़ के निकल सके आगे। अपना परिचय दे दीजिए। मैं कुमार सोनू, ब्रदर्स पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों, इस तरह के वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। हम इस तरह की जानकारी आपको लगातार दिखाते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल खबर आसपास को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप Facebook पर है तो आप इसके लिए हमारे Facebook पेज खबर आसपास को फॉलो भी कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।